नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक पोस्ट ऑफिस की नई सेविंग स्कीम लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप छोटी छोटी किस्तों में पैसे जमा कर बड़ी रकम को जोड़ना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। दोस्तों जिस स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट स्कीम। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं इसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा, कैसे हम इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या क्या इसमें पैसे जमा करने की बाउंडेशन है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो RD अकाउंट स्कीम है ये छोटे निवेशकों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि वे इसमें छोटी छोटी किस्तों में पैसे जमा कर अच्छी खासी बड़ी रकम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कितना अमाउंट इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति कम से कम इसमें 10 रुपये महीने की किस्त पर यह अकाउंट खोल सकता है और इसे 5 रुपये के गुणकों में कितना भी बढ़ाया जा सकता है। यानी बात करूँ दोस्तों इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट इसकी दी हुई नहीं है। हम दोस्तों 5 रुपये, 15, 20, 25, 30 करके कितना भी बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हम 1.5 लाख तक दोस्तों जमा कर सकते हैं, कोई भी इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई। जितना भी हमारा अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं हम उतनी पैसे रकम हम इसमें मंथली जमा करा सकते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत हमें हर महीने 5 साल तक ये पैसा जमा कराना होता है। इस योजना के तहत दोस्तों कई बहुत फायदे मिलते हैं जो अन्य योजनाओं में नहीं है। जैसे हम बात करें दोस्तों इसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, हम अपने बच्चे का अकाउंट भी खोल सकते हैं, 10 का हो, 11 का हो, 12 का, किसी भी ईयर की उसकी एज हो हम उसका अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम एक पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति के नाम से कई RD अकाउंट खोल सकते हैं, दो लोग मिलकर भी संयुक्त खाता खोल सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा पहले से एकल अकाउंट है तो उसे भी हम जॉइंट अकाउंट के रूप में बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये फायदे थे। अब बात आती है दोस्तों हम पैसा इसमें कैसे जमा करते हैं। अगर दोस्तों हमने जो RD अकाउंट है हमारा हमने 15 तारीख से पहले खुलवाया है तो हमें आने वाले हर महीने में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच हर महीने किस्त के रूप में पैसा जमा करना होता है। अगर दोस्तों हमारा जो अकाउंट है हमने अगर 15 तारीख के बाद खुलवाया है तो आने वाली हर किस्त को हमें 15 से 30 तारीख के बीच को पैसा जमा करना होता है। अगर दोस्तों हमारे किसी वजह से लेट पेमेंट हो जाता है, यानी कि लेट हम पैसा जमा करते हैं, तो हमें 1% सरचार्ज देना होता है, यानी लेट फीस के रूप में जमा करना पड़ता है। अगर दोस्तों लगातार हम 4 महीने से इंस्टॉलमेंट आपको अपनी जमा नहीं कर पाते तो हमारा दोस्तों अकाउंट रोक दिया जाता है। मगर हालांकि 2 या 3 महीने के भीतर लेट फीस जमा हो जाती है हमारी, फिर हमारा अकाउंट सुचारू रूप से दोबारा शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। दोस्तों इस अकाउंट की जमा रकम पर हमें 7.1% का सालाना ब्याज मिलता है। सीधे शब्दों में कहें अगर दोस्तों हम 10 रुपये की किस्त जमा करते हैं लगभग 5 साल तक पूरे अपने, तो हमें 721 रुपये की एक मुक्त रकम मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम 1000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 5 साल तक, तो लगभग हमें 72,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर दोस्तों हम 10,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो लगभग 7,21,000 के समथिंग हमें पैसा मिल जाएगा। दोस्तों इस योजना के बहुत से फायदे हैं। जैसे मैं कहूँ आप अपने बच्चे के नाम पर भी पोस्ट ऑफिस का बचत खाता खोल सकते हैं। अगर आपका बच्चा 10 साल का है या उससे बड़ा है तो वह अपना अकाउंट खुद भी संचालित कर सकता है। अगर 10 साल से छोटा है तो उसके नाम पर अभिभावक खाता संचालित कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है इसमें मैच्योरिटी का है। आप मैच्योरिटी से पहले भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको 5 साल तक ही पैसा जमा करना है, उससे पहले आप निकासी नहीं कर सकते। इसमें कोई दोस्तों ऐसी बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों RD अकाउंट की अवधि 1 साल पूरे होने के बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। इसमें जमा हो चुके अमाउंट का 50% तक आप निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आवश्यकता है 1 साल के पूरा हो चुका है तो दोस्तों आप चाहकर भी एक अपने अकाउंट का 50% निकाल सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर के निधन या अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में मैच्योरिटी से पहले भी दोस्तों हम जितनी चाहे रकम निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें नॉमिनी की सुविधा भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें नॉमिनी का नाम लिखवाना चाहते हैं तो आराम से लिखवा सकते हैं। इसके उपरांत आपको पैसा सारा नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर जरूरत पड़ने पर आप अपना अकाउंट को दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी अच्छे फीचर्स इसके साबित हो सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। दोस्तों आपका कोई योजना से जुड़ा हुआ या कोई भी सलाह सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके सामने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई नया अपडेट डालूं आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।